बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं यहाँ मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर आने वाले सारे दोस्तों का, पाकिस्तान पीस पार्टी के रहनुमाओं का, कारकुनों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने मुझे, मैं 3 साल बाद आया और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ यहाँ आकर मैनचेस्टर। आपको पता है कि मैं कोविड से गुजरा और उसके बाद फिर इलेक्शन आ गए और 3 इलेक्शन लड़ने पड़े, 3 हुकूमतों से मुकाबला करना पड़ा, तो मुझे आज यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी चूँकि रिसेप्शन है उधर चीते मिल में, तो सारी तकरीर उधर होगी, मेरा खुल के बात होगी सारी। आज इंतखाबात, ज़मीनी इंतखाबात जी, इंतखाबात जो हो रहे हैं आज, मेरा ख्याल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसमें, मेरा अपना ख्याल है 14-15 सीटें ले लेगी। जो भी इंतखाबात के नतीजे जाएंगे, तमाम सियासी जमातों को एक्सेप्ट करने चाहिए। देखें जी, इमरान खान तो ना, वो ना तो अदालतों को मान रहे हैं, ना इलेक्शन कमीशन को मान रहे हैं, ना इस्टेब्लिशमेंट को मान रहे हैं, वो तो किसी को मान ही नहीं रहा। तो वो तो पहले से कह रहा है कि शायद मैं नहीं नतीज को मानूंगा। तो इमरान खान का जो बयानिया है वो तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, मैं समझता हूँ, दफन हो चुका है और पाकिस्तान में जो है वो इंशाल्लाह हकीकी जमहूरियत है। देखें, एक एक पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशनली उसको जो है वो हटाया गया है। आप एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं और यहाँ आपने देखा कि जब बोरिस जॉनसन ने, यहाँ के वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत खो दी, तो ये टू रिज़ाइन, उसने रिज़ाइन कर दिया। उसने नहीं कहा जी मैं नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। इसी तरह दुनिया भर में जो है वो एक 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 जब कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई लीडर ऑफ द हाउस अपनी मेजॉरिटी खो देता है तो ऑटोमेटिकली जो है उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए। लेकिन इमरान खान जो है, चूँकि मैं ना मानू वाली बात है इसने, तो ये जो है वो इसने पहले दिन से ही कहा कि मैं कोई बात नहीं मानूंगा। इसने पार्लियामेंट के साथ खिलवाड़ किया और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, मैं समझता हूँ उसके बाद कुछ कहने को बाकी नहीं रहा, उसका बयानिया जो है वो दफर हो चुका है। पाकिस्तान में गैर अखलाकी तौर पर जो सियासत का डायलाग मारे जा रहे हैं, गाली गलौज, देखें जी, पाकिस्तान के अंदर पहले PTI से पहले एक बड़ी महजब सियासत थी। ये जो गालम गलोच, बदतजीबी, बदतमीज़ी, ये जो है ये कल्चर इमरान खान लाया है और मैं ये समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह दफन हो जाएगा। एक शख्स था अल्ताफ़ हुसैन, तो यहाँ बैठकर जो है वो एक इशारा करता था तो पूरा जो है वो कराची जाम हो जाता था। आप देख लेना, आजकल देखा है किधर है वो, इसका भी अशर यही होगा। Thank you.